अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा हलीम है और मैं हलीमा तो शेख की बेटी हूँ। आज रात को 3:30 बजे मेरे फादर को लाहौर में जिस होटल में वो ठहरे हुए थे वहां से कुछ नामालूम अफराद तकरीबन 8-9 के करीब उनको उठा के लेके एक वीगो में लेके गए। मुझे नहीं पता ये अरेस्ट है या किडनैपिंग है, क्योंकि ना कोई वारंट था, ना हमें पता है वो कहाँ है, ना उनके लॉयर्स को पता है वो कहाँ है, ना उनकी फैमिली को पता है वो कहाँ है। मैं आपको इस बात वाजे करती चलूं कि हलीमा शेख ने ये बात मल्टीपल टाइम्स इंडिकेट की, स्पेशली इस लास्ट वीक में इंडिकेट की कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने रेलिवेंट अथॉरिटीज को लेटर्स भी लिखे जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडेड है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी जान को खतरा है और उनको यहां तक मालूम हुई है कि उनको खुदा ना खास्ता कस्टडी में लेके उनकी जान को नुकसान पहुंचाने के प्लान बन चुके हैं। पिछले लास्ट वीक में हमारे घर के, हमारे कॉलोनी के अराउंड पुलिस मोबाइलें, तकरीबन 20-25 पुलिस मोबाइलें स्टेशन थी जो आने जाने वाले लोगों को मॉनिटर कर रही थी, जो हलीमा शेख साहब के वेयर बाग्स को मॉनिटर कर रही थी। इन मोबाइल्स के साथ, इन मोबाइल्स में वो मोबाइल मौजूद थी जो सीएम हाउस की सिक्योरिटी डिटेल में होती है। इसके साथ साथ सिविलियन कपड़ों में लोग मौजूद थे जिनमें बहुत सौ के बहुत सारे क्रिमिनल बैकग्राउंड थे। पीपल्स पार्टी शायद अपने जियाले भेजे हुए थे, गॉड नोज वॉट। बट वॉट आई वॉन्ट टू हाईलाइट इज कि राइट नाउ हमें नहीं पता कि हलीमा शेख कहाँ है, उनको कौन लेके गया है, वो किस हाल में है। 3.5 घंटे से उनका वेयर अबाउट किसी को नहीं पता। अगर इस मुल्क में कोई भी अथॉरिटी ऐसी बच गई है जो लॉ एनफोर्स कर सकती है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है, वो मुझे बता सकती है कि मेरे फादर किधर हैं, उनको कौन लेके गया है, वो सेफ है अभी, उनसे हम कैसे बात कर सकते हैं, उनकी लीगल टीम उनसे कैसे मिल सकती है, उनका जुर्म क्या है। और ये पहली दफा नहीं कि हलीमा शेख के ऊपर कोई आज से पहले उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज इन गवर्नमेंट करती रही, क्योंकि वो उसको एक्सपोज करते हैं। आज इस एक मंथ पहले उनके ऊपर कोई टेररिज्म चार्जेस लगा दिए और इंसिडेंट का टाइम वो बताया गया जब वो तो एक लाइव टीवी चैनल में बैठे हुए थे, वो अपना इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो उनके खिलाफ केस कर दिया जाता है। राइट नाउ तो हमें पता भी नहीं है कि वो कहां गए हैं, किसने उठाया है, किस रीजन से उठाया है, एंड वेयर ही इज राइट नाउ। सो आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क, इज देयर एनी लॉ, इज देयर एनी वन who's left to see what's happening in this country?